हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ समर टॉप। ये गर्लिश समर टॉप है फ्रेंड्स, और इसे मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये बनाने में बहुत इजी है। इसमें मैंने कोई शोल्डर कटिंग, नेक कटिंग नहीं की। देखिए, सिंपल वे से बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बन कर के रेडी हो गया है। तो आज इस वीडियो में बनाते हैं इसे। टॉप को बनाने के लिए हम ये यार्न यूज़ करेंगे और 9 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे, 3.50 mm। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम ये स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन। उसके बाद फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से अब हम 3 चेन करेंगे, 1, 2, 3 चेन। और इस थ्रेड को हम साथ साथ लेके जाएंगे। और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। और अब हम 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। देखिए, पहले 3 की चेन की, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और अब हम 2 चेन करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। अगेन 2 चेन करेंगे, 1, 2। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। अब हम 1 चेन करेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिए, ये थ्रेड हमारा साथ साथ यहाँ तक आ गया, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। और अब हम 2 चेन करेंगे। देखिए, ये हमारे 6 पेटल्स क्लस्टर्स बन गए, 1, 2, 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, 6 क्लस्टर्स बन गए। और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने से पहले हम 2 चेन करेंगे। और देखिए, ये वाली जो चेन है, इसमें देखिए, इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट राउंड। अब ये सेकंड राउंड है हमारा, 3 चेन करेंगे, पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से आगे जाएंगे। अगेन हमने इस स्पेस में बनाने हैं, तो अब हम यहाँ भी स्लिप स्टिच करेंगे। और अब हम करेंगे 3 चेन इस तरह से। अब हम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। देखिए, ये हमने इस स्पेस में बनाने, यहाँ पर हमने चेन की थी। और ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और 2, ये 3 हो गए हमारे। और अब हम 2 चेन करेंगे,
और 3 डबल क्रोशिया फिर हम इसी स्पेस में बनाएंगे। 1, 2 और 3। अब ये इस तरह से बन गया हमारा क्लस्टर। और अब हम 1 चेन करेंगे, 1 चेन, और अब नेक्स्ट ये वाले स्पेस में, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, अगेन हम 1 चेन करेंगे और इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, और उसके बाद 2 चेन करेंगे और इसी स्पेस में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी स्पेस में बनाना है 1, 2, 3, देखिए इस तरह से बना है। अब हम 1 चेन करेंगे और नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, उसके बाद 2 चेन करेंगे और अगेन इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3, देखिए इस तरह से। पहले हमने ये बनाया इस तरह से, फिर ये, फिर ये, अब उसके बाद फिर हमने इसी तरह ये बनाया। अब हम 1 चेन करेंगे, 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर, देखिए ये, और 1, 2, 3, अब हमने इस तरह से बनाया, अगेन 1 चेन करेंगे और नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्पेस में जो हमने चेन्स बनाई है, देखिए इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे, 1, 2, और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3, देखिए इस तरह से। अब हमारा ये बन गया, पहले हमने इस तरह से ये बनाए, 2 times 3, 3 हमने 1 स्पेस में, फिर 1 स्पेस में ओनली 3, और फिर 3, 3, 2 times हमने बनाए, फिर 3, 3 दो बार हमने यहाँ पर बनाए, फिर 1 बार, फिर 2 बार, और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, और अब देखिए यहाँ पर हमने 1 चेन करेंगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगेन हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। अब हमने यहीं से स्टार्ट करना होता है, और अब हम 3 चेन करेंगे क्योंकि ये हमारा ये क्लस्टर इसी तरह चलता जाएगा, ये वाला भी इसी तरह चलता जाएगा, और अब हम 3 चेन, 1, 2, 3, 2 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में, 1, 2, अब देखिए ये 3 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम इन्हें, और अब हम 2 चेन करेंगे और 3 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बनाएंगे, 1, 2 और 3, देखिए इस क्लस्टर के ऊपर सेम क्लस्टर हम ये बनाते जाएंगे, ये हमारे कॉर्नर्स बनेंगे। अब हम 1 चेन करेंगे, यहाँ पर हमने 2 चेन की, यहाँ पर 1 करेंगे, और नेक्स्ट स्पेस ये वाला, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3,
ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। थ्री डबल क्रोशिया बनाए, वन चेन। अब नेक्स्ट स्पेस हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, देखिए इस तरह से बन गया। अब ये हमारा क्लस्टर, ये वाला कॉर्नर आ गया। अब हम वन चेन करेंगे और इस कॉर्नर में हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद टू चेन, यहाँ पर हमने टू चेन करनी है, और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और थ्री, इस तरह से ये हमारे कॉर्नर बनते जाएंगे। बीच वाले जो स्पेस होंगे उनमें हम इस तरह से थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन। अब ये हमारा स्पेस यहाँ पर, इसमें हम वन टू थ्री डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ये थ्री डबल क्रोशिया। अब फिर हमारा कॉर्नर आ गया, तो वन बनाएंगे और यहाँ वन चेन करेंगे, सॉरी थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और फिर टू चेन करेंगे क्योंकि इस कॉर्नर में हमने टू चेन करनी है, वन फिर अगेन थ्री डबल क्रोशिया, टू और थ्री। अब थ्री डबल क्रोशिया होंगे, इसके बाद हम वन चेन करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, अगेन वन चेन, और नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, और फिर वन चेन, और अब ये हमारा कॉर्नर आ गया। इसके ऊपर वैसे ही हम बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, अब टू चेन करेंगे, फिर इसी स्पेस में यहीं पर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू और थ्री, अब वन चेन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये वन स्पेस है, यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू और थ्री, अब वन चेन करेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे, और अब नेक्स्ट में, और अब हम ये स्पेस में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, और अब हम थ्री चेन करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से ये रेक्टेंगुलर पीस बनेगा, ये देखिए यहाँ पर हमारे टू टाइम्स बने हैं, इधर हमारा वन, और इस साइड भी वन, और इस साइड से दो बार हमने थ्री थ्री बनाई है, और ये हमारे फोर कॉर्नर्स हैं, ये देखिए वन टू थ्री फोर, ये फोर कॉर्नर्स हमारे इसी तरह बनते जाएंगे और ये वाले जो है इंक्रीज होते जाएंगे। और अब हमारा है ये फोर्थ राउंड, ये हमने इसी तरह ही बनाते जाना है, ये हम इसी तरह बनाते जाएंगे। अब ये थ्री चेन की, टू डबल क्रोशिया है, वन टू, अब हमने यहाँ पर वन टू चेन करेंगे और इसी स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू और थ्री, अगेन वन चेन करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास कितने स्पेस है, वन टू थ्री, इस कॉर्नर से पहले थ्री स्पेस है, तो हम यहाँ पर थ्री टाइम्स थ्री थ्री बनाएंगे, जितने भी हमारे पास स्पेस है कॉर्नर्स के बीच में
उनमें हम ये इस तरह से वन चेन करके थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये स्पेस हमारे बढ़ते जाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया, अब देखिए वन चेन करेंगे, अब नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशिया, देखिए पहले ये कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर है, इसके बीच में पहले एक बार बनाए, फिर टू टाइम्स, फिर अब ये हमारे थ्री टाइम्स बन रहे हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट राउंड में ये फोर टाइम्स बनेंगे, फिर फाइव टाइम्स, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और अब हम वन चेन करेंगे और अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, तो वन टू थ्री, अब टू चेन करेंगे, इसमें हमने टू चेन करनी है और यहाँ पर हमने वन वन चेन करनी है। टू चेन करेंगे और यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से, और फिर वन चेन, और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इस लाइन में देखिए, यहाँ पर बनाते हैं पहले वन टू और ये थ्री, इस तरह से बन गए, फिर वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, देखिए अब ये कॉर्नर आ गया। अब यहाँ पर हमारे थ्री टाइम्स हमने बनाए थे, यहाँ पर हमारे टू टाइम्स आएंगे, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर चल रहा है, तो इधर हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, इधर हमारा एक एक कम आएगा, इधर थ्री आएंगे तो इधर टू आएंगे, नेक्स्ट टाइम इधर फोर आएंगे तो इधर थ्री आएंगे। अब वन चेन करेंगे, अगेन ये कॉर्नर बना लेंगे, वन टू थ्री, थ्री बनाए, टू चेन और वन टू थ्री डबल क्रोशिया, अगेन इसी स्पेस में, और अब हम वन चेन करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और थ्री, फिर वन चेन करेंगे तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर वन चेन करेंगे यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद वन चेन करेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, अगेन थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन चेन यहाँ पर थ्री बनाएंगे, फिर वन चेन यहाँ पर थ्री बनाएंगे, और फिर यहाँ पर लाके हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, और इसी तरह हम बनाते जाएंगे। और ये मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इतना बना लिया है, और अब ये राउंड जो है हमने कितने बनाए हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट राउंड से, तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और ये लास्ट है सिक्सटीन, सिक्सटीन राउंड हमारे बन गए। और ये हमारी जो है ये ब्रेथ रहेगी, ये हमारी लेंथ रहेगी, यहाँ पर हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारी साइड लेंथ की ओर जाएगी ये वाली। और अब हम इसकी ये ब्रेथ, वैसे तो अब हमारा ये है सेम चल रहा है, तो अब हमने यहाँ पर मेज़र करते हैं ये कितना है, तो देखिए फ्रेंड ये 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है। और अब यहाँ पर हमारा ये राउंड ओवर होता है, यहीं से हम इतनी लेंथ जो इंक्रीज़ करेंगे, और ये लेंथ हम इतनी रोज़ हम यहाँ तक बनाएंगे, जितनी भी हम लेंथ बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसकी ब्रेथ अब नहीं बढ़ाएंगे, एक ही साइड बनाएंगे अब, तो ये हमारा नीचे की साइड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, और जैसे हम पहले करते आए हैं इसमें भी हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और यहाँ बीच में भी। अब थ्री चेन, टू
थ्री चेन और उसके बाद हम यहाँ पर टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से जैसे हम पहले बना रहे हैं। अब हमारे ये थ्री डबल क्रोशिया हो गए, लेकिन अब हम ये टू चेन करके सिक्स डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ये सर्कल नहीं बनाना, पूरा राउंड नहीं बनाना, एक रो बनानी है। इसलिए हम ये थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन चेन करेंगे और जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं हम इसको वैसे ही बनाएंगे, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस। देखिए इस तरह से इस स्पेस में बनाएंगे, ये हम जैसे रो पहले बना रहे हैं वैसे ही ये रो बनाएंगे। तो वन चेन थ्री डबल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्पेस, अगेन वन चेन थ्री डबल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्पेस। तो इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वन रो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना और ये जो रो है मैंने कंप्लीट की है और ये लास्ट जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पे है, वन चेन बनाई है और इसमें हमने जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी थ्री डबल क्रोशिया इसी तरह हमने यहाँ पे बनाने हैं, वन टू और थ्री। थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फोर चेन करेंगे, यहीं से हमने टर्न करना, अब हम आगे नहीं बनाएंगे यहीं से टर्न करेंगे। तो फोर चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन करके यहाँ पर टर्न करेंगे और अब हमारी ये सेकेंड रो काउंट कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो थी और अब सेकेंड रो। तो यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये हमारा वन जो है ये डबल क्रोशिया काउंट होगा और वन चेन जो हम स्पेस देने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब वैसे ही बनाते जाएंगे जैसे हम ये बना रहे हैं। अब नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये पूरी रो बना लेंगे और एंड में मैं आपको आकर के दिखाती हूँ। अब सेकेंड रो के एंड में हैं, देखिए तो यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट स्पेस है ये टू और ये थ्री, इसके बाद वन चेन करेंगे और अब हम इस तरह से थर्ड चेन जो हमारी ये थ्री चेन है थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारा सेकंड रो जो है एंड हो गई। अब हमारी ये थर्ड रो, तो हम यहाँ पर थ्री चेन करेंगे और वह को टर्न कर लेंगे यहीं से और अब हम इसी स्पेस में ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे टू, एक इसे काउंट करेंगे टू डबल क्रोशिया हो गए। अब वन चेन करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे और मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। अब थर्ड राउंड के थर्ड रो के एंड में हैं, तो यहाँ पर ये देखिए लास्ट स्पेस है, इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे टू और ये थ्री। अब फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री और फोर, और टर्न करेंगे वर्क को और ये फोर्थ रो और फर्स्ट स्पेस, देखिए ये वाला फर्स्ट स्पेस है, यहाँ पर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जैसे वन और टू रो रिपीट करेंगे, देखिए थ्री डबल क्रोशिया। अब हम वन चेन करेंगे और
नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड देखिए ये हमारे इस तरह से ये बनेगा। और ये 1 और 2 रो हमने रिपीट करते हुए जितनी भी हम लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं हम ये कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा और बना करके फिर दिखाती हूँ। और 4th रो हम इसी तरह यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड देखिए ये मैंने 7 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ से हमारे ये राउंड स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7th राउंड पर हमारा ये एंड हुआ है। और अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, ये कितनी होगी ये लेंथ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और ये देखिए ये है 49 सेंटीमीटर, ये 49 सेंटीमीटर है ये लेंथ इसकी। और अब हम सेम पीस, दूसरा पीस जो है वो भी सेम बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह, कोई कटिंग नहीं, कोई डिक्रीजिंग नहीं, कोई इंक्रीजिंग नहीं, तो सेम पीस हम इस जैसा बना लेंगे। तो वो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने दूसरा जो पीस है वो भी रेडी कर लिया, दूसरी साइड भी बना ली है। और यहाँ पर ये कंधों के ऊपर ये जो हमने इंक्रीज किया था ये हमारा नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पर हम बनाएंगे ये शोल्डर, और हमने कोई शोल्डर कटिंग तो नहीं की, बस हमने जितना शोल्डर रखना है उसके अकॉर्डिंग हम छोड़ करके बाकी हमारा नेक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 इंचेस मैंने यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से हम मेज़र करेंगे सेंटर में से जो हमारा ये फ्लावर है, और यहाँ से हमारा 3 इंचेस है। और अगर हम चेन काउंट करें तो ये मैंने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 चेन छोड़ करके 13th में ये मैंने मार्कर लगाया दोनों साइड ऐसे ही, और यहाँ पर भी ऐसे। और अब हम यहाँ से ये शोल्डर छोड़ना है, तो ये शोल्डर देखिए ये मैंने 7 इंचेस, क्योंकि ये हमारा समर का है, और यहाँ पर मैंने 7 इंची शोल्डर छोड़ करके यहाँ पे मार्कर लगाया है। और यहाँ ये हम शोल्डर के लिए छोड़ेंगे और इसको हम स्टिच करेंगे। और इसी तरह हमने ये और यहाँ पर शोल्डर छोड़ के ये स्टिच करना है। और देखिए फ्रेंड ये मैंने इतना ये स्टिच कर लिया है, और ये मैं राइट साइड से आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से है। और ये भी मैंने ऐसे स्टिच किया है, और इसको देखिए ये यहाँ पर हमारी सिलाई का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा, और बहुत अच्छे से सिलाई हो गई है फ्रेंड्स। और अब हम ये स्टिच करेंगे, इसको भी स्टिच कर लेंगे, और यहाँ से हम ये भी स्टिच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ये फर्स्ट चेन ले लेंगे, और इधर भी जो चेन की है ये फर्स्ट चेन ये लेकर के हम स्टिच करेंगे। ये हमारी सेकंड चेन है, यहाँ पर हमने मार्कर ये लगा रखा है, इसके बाद वाली चेन में मैं डाल रही हूँ। अब हम यहाँ से इसके बाद हम ये वाली चेन लेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे नॉट ना दिखाई दे इसलिए मैंने पहले फर्स्ट स्टिच लिया है। तो अब हम ये वाली स्टिच लेंगे, अब हम इस नॉट को इस साइड करेंगे ताकि ये इस हमारी शोल्डर की तरफ दिखाई ना दे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमने ये वाली चेन लेनी है, और इधर से हम ये वाली चेन लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में से लेंगे ये वाली और ये वाली, अब इसी तरह हम ये शोल्डर ये स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमारी दोनों तरफ 12 चेन्स हैं, तो यहाँ तक हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए ये मैंने शोल्डर तो ये स्टिच कर लिया है, और अब हम यहाँ से ये वाला
साइड जो है ये स्टिच करनी है। तो देखिए ये मैंने स्टार्ट की है और अब हम यहाँ पर इस तरह से ये हमारी जो चेन है इसमें से स्टिचेस लेते जाएंगे और इस तरह हम इसे सिलेंगे। और अगर आप चाहो तो इसे क्रोशिया से भी स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे देखिए ये जो चेन है ऐसे हम बना लेंगे इसमें से और इस चेन में से इस तरह से लेंगे। तो इसी तरह हम ये सिल लेंगे, आप किसी भी तरह से सिल सकते हो। तो यहाँ तक सिल लेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ तक ये सिल रखा है और ये बनाने के बाद हमारा टॉप जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है, तो ये हमारा ये नेक है और देखिए ये इस तरह से बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और बनाना तो आपने देख ही लिया कितना ईजी है, कोई भी हमने कटिंग, कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने सीधा सीधा ही बनाना है। और फ्रेंड्स चलिए बनाइए इसे आप भी। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।